We extend a very hearty welcome to the Honorable President of India, Shri Pranab Mukherjee. We also extend a very warm welcome to the Minister of Agriculture and Food Processing Industries, Shri Sharad Pawarji. Minister of State for Agriculture and Food Processing Industries, Maniya Dr. Charan Das Mahantji. We also welcome Secretary, Department of Agriculture and Cooperation, Shri Ashish Bahugunaji. We have also on the dais, Shri C.B. Paliwal, Managing Director, NCDC. यहाँ उपस्थित तमाम गणमान्य अतिथियों का अवार्ड विनर्स का भी हम हृदय से अभिनंदन करते हैं. ये साल न सिर्फ NCDC का गोल्डन जुबली ईयर है बल्कि ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स भी है. NCDC was established 50 years ago with the noble objective of spearheading development of rural economic activities through cooperatives. The schemes and activities of NCDC have immensely contributed to enhance the income and livelihood of farmers and weaker section of the society. हमें गर्व है कि 50 सालों के अपने इस सफ़र में NCDC तमाम उपलब्धियों को हासिल करते हुए अपने मकसद में कामयाबी की नई ऊंचाइयों पर पहुंचता जा रहा है. आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज श्री शरद पवार जी टू प्रेजेंट शॉल एंड मेमेंटो टू ऑनरेबल राष्ट्रपति जी. हम आपको बता दें कि ये शॉल हिमाचल प्रदेश की सहकारी संस्था बुटीको ने बनाई है. थैंक यू माननीय मंत्री जी. नाउ आई रिक्वेस्ट सेक्रेटरी श्री आशीष बहुगुणा जी टू प्रेजेंट मेमेंटो टू ऑनरेबल श्री शरद पवार जी. हमारा आपसे ही निवेदन है श्री आशीष बहुगुणा जी कि कृपया माननीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री डॉक्टर चरणदास महंत जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें. धन्यवाद. ग्रास रूट लेवल के कोऑपरेटिव्स में एक स्वस्थ प्रतियोगिता बनी रहे इस नज़रिए से और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उनकी अहम भूमिका को सराहने के उद्देश्य से NCDC अवार्ड फॉर कोऑपरेटिव एक्सेलेंस की शुरुआत की गई. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये साल NCDC का गोल्डन जुबली ईयर है एंड फ्रॉम दिस ईयर 3 नेशनल अवार्ड्स हैव बीन इंस्टीट्यूटेड फॉर द बेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रॉम 3 कैटेगरीज ऑफ द स्टेट्स. May I request the Honorable President to present the NCDC Award for Cooperative Excellence to the awardees. The 3 national level awards are in the form of rupees 1 lakh each, a certificate and a trophy. Cooperatively least developed states category में ये national award असम राज्य के जिला कामरूप की दक्षिण रामपुर गांव पंचायत सांबे समिति लिमिटेड को दिया जा रहा है. For the second category of cooperatively underdeveloped states, the national award goes to the state of Andhra Pradesh in district Karimnagar, given to Mulukanur Women's Cooperative Dairy. सहकारिता दृष्टि से विकसित राज्यों की श्रेणी में ये राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है महाराष्ट्र के जिला जालना स्थित समर्थ सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड अंकुश नगर ने. स्टेट लेवल अवार्ड कंप्राइजेज ऑफ रुपीज 50,000 अ सर्टिफिकेट एंड अ ट्रॉफी. इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश द अवार्ड गोज टू जीरो पोल्ट्री कोऑपरेटिव फार्मर्स सोसाइटी लिमिटेड इन द डिस्ट्रिक्ट लोअर सुबानसिरी.
बिहार राज्य के लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है जिला समस्तीपुर की सराय रंजन पश्चिमी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति लिमिटेड को। छत्तीसगढ़, इस राज्य के जिला राजनांदगांव की सेवा सहकारी समिति मर्यादित को ये पुरस्कार दिया जा रहा है।